नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा बोचा। उपचुनाव की काउंटिंग आज सुबह से शुरू हो गई है। आरजेडी के अमर पासवान लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आठवें राउंड, नौवें राउंड की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सभी राउंडों में आरजेडी के अमर पासवान ने बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि जो नवे राउंड की प्रक्रिया है उसमें आरजेडी के अमर पासवान को 23,712 वोट मिले हैं। बीबी कुमारी को बता दें कि 13,584 वोट हासिल हुए हैं। वही वीआईपी के गीता कुमारी 10,117 वोट लाई है, यानी कि राजद 10,000 वोटों से आगे चल रही है। दसवें राउंड की प्रक्रिया भी लगभग खत्म हो चुकी है और उसमें आरजेडी के जो अमर पासवान है 23,613 वोट लाए हैं और बेबी कुमारी 15,003 वोट ही हासिल हुए हैं। वही गीता कुमारी 11,512 वोट हासिल किए, यानी कि दसवां राउंड में भी 11,000 वोटों से बीजेपी से राजद आगे चल रहा है। लगातार आरजेडी के अमर पासवान बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान में कुल 13 प्रत्याशी उतरे हुए हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी, आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी से होना है। एक सीट पर उपचुनाव हुआ है। आरजेडी मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर आरजेडी ने अमर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है और दसवें राउंड की काउंटिंग में जो अमर पासवान है वो 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीबी कुमारी दूसरे नंबर पर है और सबसे जो बुरा हाल है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का हाल बुरा चल रहा है क्योंकि नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को हासिल हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गीता कुमारी तीसरे नंबर पर है। गीता कुमारी को वीआईपी के पार्टी के मुकेश सहनी ने उन्हें टिकट दिया था, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और वो तीसरे नंबर पर चल रही है। तो मुख्य मुकाबला भी जो दिखाई दे रहे हैं उसमें आरजेडी और बीजेपी के बीच है। आरजेडी के अमर पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो प्रचार प्रसार भी किए हुए थे। उनकी पत्नी जो है हरविंदर कौर वो भी मैदान में उतरी थी, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। दो दो जनसभा को तेजस्वी यादव ने बोचहा में संबोधित किया था और मुसाफिर पासवान है, उनके बेटे हैं अमर पासवान, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद आरजेडी ने अमर पासवान को टिकट दिया। हालांकि ये पहले चर्चा थी कि वीआईपी के तरफ से अमर पासवान खड़े होंगे, लेकिन जो अचानक अमर पासवान ने अपना पलड़ा बदल लिया और आरजेडी के साथ चले गए और पहले जो मुसाफिर पासवान थे वो मुकेश सहनी के साथ थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और आरजेडी ने पूरा दमखम लगा दिया था इस चुनाव में और दसवें राउंड की काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 11,000 वोट से अमर पासवान आगे चल रहे हैं। तो साफ संकेत है कि आरजेडी के अमर पासवान जीत सकते हैं। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, अभी कितने राउंड तक काउंटिंग चलेगी, 25 राउंड तक काउंटिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।